आज हम ये वाला डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक बॉक्स बनाना है, स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगा मैं। इसी बॉक्स को पूरा ग्रे स्केल बनाने के बाद उसी को पलटा मार के यही फाइल चला दूंगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी स्क्वायर बॉक्स बना लिया, इसमें मैं एक पत्ती बना लूँगा कंट्रोल दबा के इसको कर्व करके, और इसकी एक कॉपी कर लूँगा राइट साइड में। उसके बाद इसको जोड़ लूँगा, इसके नॉट जो टूटे हुए हैं उसको जोड़ लूँगा। देन इसको थोड़ा देख लूँगा किस हिसाब से रखना है, उसको वापस रोटेट करके इस शेप में इसको मैं AI बना लूँगा। इसकी अब जॉइंट करके इसको AI बनाई मैंने इसकी, और फिर इसको आर्ट कैंप पे लेके जाऊँगा। आर्ट कैंप पे ग्रे स्केल बनाऊँगा इसकी। आर्ट कैंप में आ गए, MM ही रहेगा पूरा साइज। फाइल को इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ से, यही फाइल जो मैंने जिस नाम से बनाई होगी नाम डाल के। अब इसमें क्या करना है, मुझे इसको अनग्रुप करके दो इसके डिज़ाइन बनाने हैं। एक तो अप होगा इसमें, एक डाउन होगा। तो पहले अप वाले को बनाते हैं डबल क्लिक करके। जितने डिग्री रखना है, जैसे अभी मैं इसमें 70 ज़्यादा हो रहा है, इसमें मैं कम करके कितने डिग्री रखें, और जितने MM मुझे उठाना है उस हिसाब से रख लूँगा। 7 MM में जो इसको उठाना है, 7 MM में इसको ऐड कर दिया। अब इसको होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो पहले एक अप वाला डिज़ाइन बन जाएगा, फिर एक उसकी जो पत्ती जो है उसको मैं डाउन कर दूँगा, तो उसके बीच सेंटर से वो डाउन हो जाएगा। ये डिज़ाइन जो है बेसिकली ज़्यादा जो चलेगा स्टैम्प वॉल पे भी चल जाएगा। ये जो डिज़ाइन बनाया था मैंने, ये एक दराज का बनाया था, एक मतलब एक काउंटर था, उसके 4 डोर थे, जिसको हिंदी भाषा में देसी भाषा में पल्ले ही बोलते हैं, उसके 4 वो थे पल्ले। तो मैंने उस पर डिज़ाइन बनाया था, उसके हिसाब से स्क्वायर रखना है, और जब वो बंद होंगे तो एक सीक्वेंस दिखाई देगी, और जब वो मतलब खोलेंगे तो वो तो अपना हिसाब से रहेगा। ये बन गया। अभी इसको मैं क्या करूँगा, देख लूँगा। ये देखिए, फिर पूरा बॉक्स मेरा जो है ये अप हो गया है। ये देखिए 7 MM उठा हुआ है भी। अभी इसको मुझे क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है पत्ती को। पत्ती को मैंने इसको मैंने ऐड करा था, इसको मैं डीप कर दूँगा। कितने MM डालना है, जैसे मुझे 4 MM मैंने इसमें डाल दिया, इसको मैं सब्सक्राइब कर दूंगा और ये हो जाएगा। जितना छोटा हुआ डिज़ाइन उतना टाइम कम लगेगा, जितना बड़ा हुआ उतना ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा। ये देखिए अप्लाई कर दूंगा, ये मेरी पत्ती बन गई, और ये 3D व्यू मार के ये इतना बन गया। अब इसी को मैं ग्रे स्केल कर लूँगा ऐसे, इसको डिलीट मार के जो एक्टर थे हमारे, इसको मैं मॉडल में आके इसको ग्रे स्केल कर लूँगा, उसको यहाँ से सेव कर लूँ। BMP में कर लें या JPG में कर लें, वो आपकी इच्छा है। ये टोटल मैंने 12 MM इसको कर दिया है उठान। पहले तो एक अपना नॉर्मल रख लें, फिर उसके बाद जितना आपको चाहिए उतना इसके हिसाब से रख लें, उसको फिनिश वगैरह कर लें, स्मूथ कर लें। अब मैं इसको ग्रे स्केल मार दूँ पूरे मॉडल को, ये ग्रे स्केल हो गया है। इसके अभी जो है बी सेंटर में रखा हुआ है, इस पेज के बिल्कुल भी सेंटर में रहें, इधर उधर ना रहें, क्योंकि हमें क्या होता है इसको कट करने में, कोरल में जाके इसको जब हम सेव करेंगे कट करने में हम आसानी हो जाती है, और नहीं थोड़ा बहुत डिज़ाइन कट ही जाता है। अब मैंने इसको यहाँ काट के रख लिया है, इसको मैंने सेव कर लिया हूँ बिटमैप में, ये JPG में कर लें। थोड़ा लेट हो गई फाइल। हमें इस बॉक्स को, खाली बॉक्स को जो है मैं इसको शिफ्ट हाथ पकड़ के EC कर दूंगा, सेंटर में आ जाएगा, इसको पेज डाउन करके और इसको दोनों को सिलेक्ट करके इतना हिस्सा इसका काट लिया मैंने। अब ये देखिए, अब ये हिस्सा मैंने काट लिया, ये आ गया। अब इसका मैं एक कॉपी इधर रख के
देख लूँगा इसमें, ये थोड़ी दिक्कत आ रही है तो इसके अंदर क्या करूँगा मैं, इसके अंदर बॉर्डर दे दूँगा एक, इसके अंदर मैं थोड़ा सा बॉर्डर दे दूँगा, उस बॉर्डर से काटूँगा फिर इसको, इसको ब्रेक करके इसके अंदर रख के इससे काट लूँगा। डाउन, और ये देखिए अभी भी इसमें आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा और बॉर्डर दे दूंगा मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बॉर्डर दिया जाता है एमएम के हिसाब से दिया जाता है, 0.5 mm 0.2 mm इसके हिसाब से दिया जाता है। अब ये देखिए मैंने इतना इस तरह के इसको काट लिया, अब इसका मैं कॉपी कर लूँगा, ये एक ही से मैं इसको रखता चला जाऊँगा कि किस शेप में रखना है, मतलब इसमें ये थे हमारे चार दरवाजे थे तो चार के हिसाब से रख लूँगा, एक उसमें तुम्हारा चार आ जाएंगे, चार हाइट में आ जाएंगे और एक उसमें, और चार टोटल दरवाजे थे। ये देखिए हमें दो, इन दो को पकड़ के इसका पलटा मार दूँगा, ये देखिए ये व्यू मिलेगा हमें बनने के बाद। मैं इसको पूरे को ग्रे स्केल कर लूँगा, ग्रे स्केल करके इसको आर्ट टाइम पे ले जाके दिखाता हूँ कैसा बन के दिखाई देगा हमें। तो सबसे पहले जो मतलब टूटे हुए पार्ट जो रहे जिसको हम ग्रे स्केल करें, तो सबसे पहले पार्टों को ग्रे स्केल कर लें, ना कि उसके साइज़ के अंदर रख के उसको ग्रे स्केल करेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा, फाइल बनने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो उसका ध्यान रखें। ये देखिए मैं तो इसी में रख के कर लूँगा, इसी क्या साइज चाहिए मुझे, बहत्तर रेजोल्यूशन रखें, ज़्यादा रखेंगे फिर हैंग करेगा सिस्टम। यहाँ एक साइज डालें जो आपने स्केल करके डाला हुआ था वहाँ पे आ रहा हुआ ऊपर, एक साइज डालें दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ से एमएम में करके फिर ग्रे स्केल और देन आर्ट कैंप आ गए। अब इसमें मैं यहाँ से फाइल उठा लूँगा, नाम डाल दूँगा, क्या नाम था, सिंगल क्लिक करें, डबल क्लिक ना करें, 12 mm डाल के यहाँ पे भी सिंगल ओके करें ओपन के लिए, इंची मार के अपना एक साइज डालूँगा, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई आपको कोई दिक्कत होती है किसी, मतलब किसी चीज़ में परेशानी होती है कोई बनाने में, तो आप कोई नहीं, मुझे व्हाट्सअप नंबर भी ना डला हुआ है, मैंने ग्रुप भी बना रखा है टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।